जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है तब से प्रदेश एवं शहर में खाद्य विभाग द्वारा कई जगह पर कार्यवाही की गई है। बेगमबाग क्षेत्र के रायल कैफे से खाद्य विभाग की टीम ने लिया सैंपल। उसी के अंतर्गत गुरुवार को दोपहर 1 बजे खाद्य विभाग की 10 सदस्य टीम के साथ बेगमबाग स्थित रॉयल कैफे पर आज खाद्य विभाग की टीम पहुंची। यहां से फीका मावा व मीठा मावा के सैंपल लिए तथा फूड इंस्पेक्टर बसंत दत्त शर्मा द्वारा दुकान संचालक को निर्देश दिए और कहा कि साफ सफाई लाइसेंस के नियमों के तहत करने के लिए 15 दिन का समय दिया। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। और यहाँ पे हम जाँच कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ मिली हैं, आशंका के आधार पे हम सैंपल ले रहे हैं। तो एक मीठे मावे का सैंपल और एक मावा भरी का हमने सैंपल ले रहे हैं यहाँ पे। और खाद्य आपूर्ति विभाग को कुछ सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर भी मिले हैं जो जब्ती में ले लिए। साफ सफाई के लिए निर्देश दे दिए हैं, विक्रेता को निर्देश दे दिए हैं। अगर 15 दिन में इनसे डिक्लेरेशन लेते हैं, अगर 15 दिन के अंदर ये प्रॉपर नहीं करवा लेते हैं लाइसेंस शर्तों के अनुसार, तो उनके लाइसेंस सस्पेंड की आगे कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।